तो पीछे चला गया, मैं आगे आ गया। और गाइस क्या हाल चाल। तो गाइस मेरे सारे दोस्त कहते थे यार तू एक कमेंट्री वीडियो कर, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो मैं उन लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कमेंट्री वीडियो। तो गाइस इस मैच में हम उतरते हैं मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में जैसे उतरते हैं हमें पता लगता है हमारे सामने जो लेबोरेटरी है उसमें एक स्क्वाड उतर। साथ ही गाइस मुझे मिलती है UMP 45, जो मुझे सबसे गंदी लगती है यार पबजी की। तो यार उनका सभी बंदों पे गन होती है, मेरे पे सिर्फ होती है UMP 45। तो यार इसी को लेकर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बंदा तो कतई हवा में स्पाइडरमैन बन के बाहर होता है, जा देते हैं सुपरमैन के पास। ये तीनों तो हो जाते हैं फिनिश, और उनका लास्ट बंदा पता नहीं यार कहाँ घूम रहा होता है, हो सकता है वो रैंडम हो। मैं जाता हूँ उसके टेरेस पे, और टेरेस पे जाते हैं मुझे दिखते हैं फ्री किक किल जो लेकर आए होते हैं हमारे बॉर्ड पे। भाई बॉर्ड भाई को ख़त्म करने के बाद मुझे पता लगती है आगे कुछ बंदे फाइट ले रहे हैं ओपन में, तो कर देते हैं भाई उनका भी काम ख़त्म। ये भाई पता नहीं टीपी भी लेके पेड़ के पास किसको देख रहे होते हैं, पर इन प्लेयर को हम बना देते हैं प्रो। तो भाई इनमें से लूटने की सोच ही रहा होता हूँ, तो उतने में ऐसी भैया की कॉल आ जाती है कि भाई इधर बंदे इधर आ जाओ। मैं यहाँ से ऐसी भाई के पास जा ही रहा होता हूँ, तो उतने में एक बंदा से दिखता मुझे, तो मैं इसको खोलता हूँ हक्की से फायरिंग करता हूँ, उतने बंदा नॉक। तो ये कर पबजी का चमत्कार था भाई, लोग हैक मत बोलना, हैक नहीं करा। तो यहाँ पर हमारे SG भाई हो जाते हैं भाई नॉक। तो आप देखो उनको कैसा कवर देखना और मूवमेंट देखना, बिल्कुल ऑक्टोपस था, बिल्कुल कतई ऑक्टोपस। वो आगे चला गया, मैं पीछे आ गया। फटाफट फिनिश क्योंकि मेरा एक बंदा नॉक है, और इनके बंदे कवर फायर के लिए आप यहाँ पे आ गए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने फटाफट फिनिश करके SG भाई को रिवाइव करके सीविल्डिंग की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे सीविल्डिंग ऑलरेडी पहले से फाइट हो रही थी। तो एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, और SG भाई हमारे यहाँ पे साइड में हील कर रहे होते हैं टीपी प्ले। तो मैं फटाफट जाता हूँ दूसरी साइड, और दूसरी साइड जैसे ही जा रहा होता हूँ उतने में मुझे आ जाता है फर्स्ट। तो भाई लोग इस भाई ने मुझे पूरी कोशिश की फिनिश करने की, बट ऐसा हो नहीं सका। बट यहाँ पर एक छोटा सा स्कैम हो जाता है मेरे साथ यार, मेरे एक गेम पे यार पता नहीं क्या है, गिरी छेड़ था पबजी बोरिंग लग जाता है रखना, बहुत लंबा रहता है क्या आपके एक गेम पे ऐसे बोरिंग लग जाता है, आपको दिक्कत होती है कई बार आप नौकर करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ पे जैसे ही जा रहा होता हूँ यार मैं वहाँ पे यार इसके लंबा टीपी के लेकर बैठा होता है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे मूवमेंट को, क्राउच पे क्लिक करता हूँ यार क्राउच ढंग से होता नहीं, इस वजह से नॉक हो जाता हूँ। पर हमारे SG भाई का बेहतरीन सा कवर आते हैं, और SG भाई कर देते हैं उसको फिनिश। तो यहाँ से हम निकलते हैं यार नोवो की साइड, जहाँ पे हमें दिख जाता है एक ड्रॉप, और ड्रॉप पे होते हैं बंदे। क्या मेहनत कर रहा है वो, तो गाइस मुझे एक बंदा इसका स्पॉट हो जाता है, और उसे मैं M4 3X लगा के कर देता हूँ नॉक। पर इस भाई का जो दूसरा बंदा होता है वो ठस्से में सोच रहा होता है गाड़ी से निकल जाए, पर हमारे आगे से निकल सकता है कोई, हम तो किल के इतने बड़े वाले भूखे हैं, साले को किल करके आऊँगा वहाँ तक। पर मेरे साथ एक स्कैम हो जाता है लोग वहाँ पर, देखो क्या होता है। देख लिया भाई लोग का स्कैम हुआ, मुझे वो स्पॉट हो गया होता और इसमें ख़त्म ही करने वाला होता हूँ, पर इतने हमारे ऐसे भैया क्या फिर छोड़ने वाले हैं, मार डालते हैं उसे, ख़त्म कर देते हैं बेचारे को, मेडिकल रह जाते। ऐसे हम नो ब्रिज से निकल के जा रहे होते हैं पूछेंगे एक साइड, तो उसी टाइम हमें दिखता है एक ड्रॉप, और ड्रॉप पर तेरे बार Make it last forever. Stop and time.
तो भाई लोग यहाँ पे तो मुझे एक भी किल नहीं मिलती है, बट देखते रहो आगे मिलेगी किल। M24 बढ़िया इसमें, स्नाइपर मैं ले रहा हूँ, वहाँ टेक्स था। तो यहाँ से हम लूट वूट के हम जैसे जा रहे होते हैं तैयार, उसी टाइम हमें आते हैं गन शॉट्स पीछे से। कोई बंदा बहुत देर से हम लोगों को कैंप करके बैठा हुआ होता है, देखो क्या होगा फिर इसके साथ। तो यहाँ हमारा यहाँ से ज़्यादा कैसे निकल रहे थे, उसी टाइम देखते हैं गाड़ी में सारे बंदे उतर गए, बस सारे बंदे आ रहे कह रहे हैं ले लो उसके लिए, ले लो तो कर देते हैं सेव करना। हमारे गाड़ी में इतनी पेट्रोल नहीं होती, हम गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं, देखो क्या गिरे छेद हमारे भाई, चेहरा से टक रहा होगा। यहाँ से निकलते हैं हम फिर से बंदों की तलाश में, हमें कहीं नहीं मिलते हैं, हम बहुत बंदे ढूंढते हैं, उसी में तो हमें कट करती है। उसके बाद हम पहुँचते हैं फार्म पे, मुझे ऐसा लगता है बंदे नहीं है, मैंने ऐसे बोला था यहाँ बंदे, पर यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, जी कह रहा होता है कि इस गाड़ी की स्किन चल रही है, पर मेरे को कहीं से उस वीडियो में देखा स्किन दिख रही थी इस गाड़ी पे नहीं। क्या बोलते हैं यार बंदे ऑलरेडी, यार बंदे आगे फाइट ले रहे होते हैं, ऐसे को स्पॉट हो जाते हैं और ऐसे वहाँ से जाकर फाइट ले रहा होता है, और मुझे कॉल आती है फिर मैं वहाँ जाता हूँ। तभी देखना यहाँ से एक गाड़ी निकलती हुई जाती है, दूसरी आती है, फिर गाड़ी चार बंदों से लेस भरी हुई, बस मैं बची हुई होते हैं यार। घूमते हुए जाती है बिल्कुल SG के पास, तो SG गाड़ी में से दो बंदे उतार देता है, तो बाकी का जो एक बंदा होता है वो SG को उतार देता है, मतलब लिटा देता है, नॉक कर देता है। फिर आगे देखो क्या होता है भाई, बहुत मज़ा आता है यहाँ के फाइट में, प्लीज़ देखना बहुत मज़ा आएगा आपको। अरे गाड़ी वाला भी रुक गया यार, ऑपनेट स्मोक मार दे, ऑपनेट स्मोक मार जल्दी, उस बंदे को एक है, तू आ जा, एक है तू आ जा, एक है तो दूर है यार, तू आगे आना, टावर पे साला कैंप पर बैठा हुआ था जो वहां पे एक आ जल्दी शॉट दिए जा रहा था, पता नहीं कहां बैठा था, दो शॉट इधर आना जाने, भाई साहब कहां पहुंच गए, बिल्कुल पीछे ही हो गए, दिखाई नहीं दे सर, उसका रेव भी हो गया था, क्या करूं बहुत देर तक मैंने स्कोप के ऊपर निकला ही नहीं हूं, तो अब रिवाइव दबा, जहां मैं पहले फाइट ले रहा था, जहां मैंने बंदा नॉक किया था, कहीं वो रिवाइव ना हो जाए। नहीं
बंदे को मैं नॉक करता हूँ, रिवाइव हो चुका था वो, मुझे स्मोक के आर पे दिख रहा था, शॉट ले रहा था। तो यार क्या दोबारा शॉट ले रहा था भाई, मुझे ये लगा लो हमने को पट्टा से। तो गाइस मैं इसको नॉक कर देता हूं पीछे। कहाँ आ दे रहे पीछे? Enemies ahead। एक और बंदा बना वो होता है क्या, एनाकोंडा? हाँ एनाकोंडा बना होता है सर, मुझे पूरी तरह से नॉक कर देते हैं और मैं बच जाता हूँ। नहीं इधर ही रुक, इधर ही रुक। फाइव क्या मत देना, कॉपनेट थोड़ा सा हो तो। अबे इधर बंदे पड़े ना, लूट लेना, मेरे को यहीं दे दे। अरे 30 दे रहा है, शर्म भी आ रही है इधर। एनिमीज अहेड। बोलता हूं बोलता हूं और उसके बाद जाता हूं वो टावर वाला बंदा जिसने मुझे पीछे से परेशान किया था, सॉफ्ट किया जा रहा था, तो उसके बाद जा ही रहा था तो देखते हैं किधर रखती है। उस भाई को किसी ने चमका दिया, चमक गया भाई, जो भी चला गया चमक गया। तो मुझे पता लग गया कि पीछे बंदे हैं, ये पता नहीं था पीछे कितने बंदे हैं। तो मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो उसके पास जा रहा होता हूँ, जा रहा होता हूँ तो तभी देखो क्या होता है। तो यहाँ पे होते हैं भाई दो बंदे, जिसमें से एक बंदा होता है नॉक, किसी और टीम में उसको नॉक किया होता है तो वो एक चुरा लेता है उसके। पहले वाले बंदे को तो ऐसे ऑफ दी स्पॉट लेने की मैंने ट्राई की थी और लगा नहीं, दूसरे भाई का बंदा तो भाई फिर भी गलती ले लिया तुम्हारे भाई ने। देखो उसको कैसे फिनिश करूँगा मैं। सीधी सी बात है भाई, ऐसे मौकों पर सांप मत बनो, ठीक है? ये याद होता है सांप का, इतनी बुरी मौत होती है ना उसकी, पूछो मत। तो यहाँ पे हमारे अच्छी भाई दो बंदों को फुल डैमेज दिया होता है जो भाग रहे होते हैं, और तुम्हारा भाई देखना कैसे स्प्रे में ले लेगा उन्हें। और एस जी भाई की किल थी वो, एस जी भाई बहुत देर से उसके पीछे पड़े हुए थे, एस जी भाई को नहीं मिली। अब वो दोनों किल तुम्हारे भाई के खाते में आ गए थे, देखते रहो। तो कैसा लगा भाई लोग आपको स्प्रे? अगर आपको स्प्रे अच्छा लगा हो ना तो यार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना भाई तेरा स्प्रे ओपी था। यहाँ पे बसता है भाई लास्ट बंदा। अब लास्ट बंदा सीन ऐसा था, एस जी भाई कह रहे थे पेन से मारेंगे, पर मैं कर देता हूँ उनके साथ स्कैम, क्योंकि वो बहुत दूर होता है और एस जी भाई होते हैं पास, और उसके पास जाते जाते हो सकता था यार वो हम तीनों को ले ले, तो पेन फाइट तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि उसने हम तीनों को स्पॉट किया हुआ था। तो इसलिए मैं M416 से दूर से तुम्हारा भाई ले लेता हूँ स्प्रे में। तो ईजी सा सिक्स चिकन डिनर होता है इसमें 17 किल्स के साथ, खूब मज़ा आता है गेम में और बहुत ही इंटेंस फाइट होती है इसके अंदर। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा यार। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ 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 कीप सपोर्ट यार, बाकी आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे।